दिव्य तपस्थली है वो, दिव्य शोभा है उस जगह की, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि का प्राकट्य हुआ है, जिसकी माटी में बड़े बड़े ऋषि मुनि खेले हैं, जैसे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जहां पर हुए हैं, जहां पर उनकी तपस्थली है। पुराण के अनुसार श्री वामन देव को यज्ञोपवीत प्रदान किया, वो भी श्री बक्सर में ही प्रदान किया है, और वैष्णव जनों में श्री राम रामानंद संप्रदाय के दिव्य दिव्य आवेश में श्रीमन्नारायण जी का जन्म भी वहीं पर हुआ है। देखो हमारे श्री नारायण श्री रामानंद संप्रदाय से भी पधारे, एवं हमारे पूज्यपाद श्री महाराज जी का जन्म भी वहां पर ही हुआ है। एक तो स्थान की दिव्यता, उसके बाद में उनका आविर्भाव हुआ है। श्री रामचरितमानस में जब उनकी रोने होती तो वे शिवन मानस जी को देखते, उनको निहारते, क्योंकि मानस जी के अंदर समस्त जो उनके पात्र हैं, उस उनके पात्र की पात्रता जब देखते, उनका दर्शन करते, तो पूज्य महाराज पूज्य श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का शरीर पुलक हो जाता और वे निपातन करते। मानस जी यही ना, उनका एक एक पात्र अनुपम है। गोसाई जी कह रहे हैं ना, सकल पात्र आदर्श अनुपम, को कर सके बड़ाई, जयति जय सिया रघुराई, सिया रघुराई जय सिया रघुराई, जाकी कीर्ति तुलसी गाई, जयति जय सिया रघुराई। उनको जब जय हो जय हो जय हो नारायण गोस्वामी पाद आपकी, जय हो जय हो जय हो। उसके उपरांत सद्गुरुदेव से सुना मैंने कि जब वे मठ में आए तो उसके बाद जब उन्होंने श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम को देखा, उन्होंने श्रवण की प्रभुपाद की वाणी, प्रभुपाद बोले कि यदि पूरे के पूरे विश्व में यदि दो ग्रंथ, एक तो श्रीमद् भागवत जी, दूसरा श्री चैतन्य चरित, अगर किसी कारणवश श्रीमद् लुप्त हो जावे, अदृश्य हो जावे, तो केवल और केवल श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम है वो समस्त अभाव को पूर्ण करने में सक्षम है। श्री महाराज जी के वचन हैं ये। तो उन्होंने श्रीमद् चैतन्य चरितामृत दर्शन किया पूज्य महाराज जी ने, और देखा इस श्री राधा कृष्ण का भाव, श्रीमद् महाप्रभु का भाव। देखो श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम भी अमृत है, चैतन्य के चरित्र का अमृत। एक वहां पे सतयुग में अमृत था, एक ये अमृत है। वहां पे एक तरफ दैत्य, एक तरफ देव थे, और जब मंथन किया, मंथन करने से जब 14 रत्न निकले, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात धनवंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुगा सुरेश्वर गजो रंभाच देवांगना अश्वो सप्त मुखो धनु शंखम मृतम चाम्बुदे नीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुरुवंतु नो मंगलम। ये जब 14 रत्न निकले, उसमें से एक अमृत भी निकला जिसको देवता पी करके अमर, एक वहां पर और एक यहां पर अमृत है। वहां पर एक तरफ दैत्य थे, एक तरफ देव थे, यहां पर राधा कुंड में श्री वृषभानुनंदिनी खड़ी है, और कृष्ण श्याम कुंड में स्वयं रससार सरोवर की विस्तार करते हुए खींच रहे हैं, और कृष्णदास कविराज का हृदय ही वो जब उसमें मंथन हुआ, जब वो अमृत निकला, उस अमृत को ही श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम कहते हैं। वही श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम है। उस दिव्य श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम को जब सद्गुरुदेव ने निहारा, पूज्यपाद परम गुरुदेव ने निहारा, तब जाकर के वो समस्त प्रेम
प्रेम लक्षण उनमें प्रस्फुटित हुआ और फिर उन्होंने कहा पूरे के पूरे विश्व में श्रीमद् चैतन्य चरितामृतम जैसा ग्रंथ दूसरा कोई नहीं है। अतः एव उनकी बहुत सारी अन्य शिक्षा भी है। नाम में उन्होंने बहुत देखो जो सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा है नामे रुचि जीवे हृदया वैष्णव सेवान उसमें जो नामे रुचि है हरे कृष्णा आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आगे आ जाओगे अच्छे सब से बैठ सकते हैं थोड़ी सटक सटक खाली बैठ ओ अज्ञानित मिरांदस्य शलाकं चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीगुरुदत्ते श्रीनारायणगोस्वामीति सर्वथं गुरुपादपद्म नित्यलीला प्रविष्ट जयं विष्णुपादष्टोसदयुगाचार्य गुरुदेव ने जो हमारे जीवन में किया उसको शब्दों में बताने का सामर्थ्य जोड़ना बड़ा मुश्किल होता उससे पहले कि आप सब लोग अच्छी तरह समझते हैं जो स्क्रीन और जो जो व्यक्ति गुरुदेव से दर्शन किया उसको अच्छे तरह से स्क्रीन कर दो पूरा बंद कर दो खोल दो जो स्क्रीन है उसको अच्छे तरह से खोल दो उसको तो उसमें गुरुजी के विषय में बोलना बड़ा मुश्किल है। सबका जीवन परिवर्तन हुआ महाराज जी जो जो महाराज जी के अनुगत्य में उनको समझ में आ रहा हो गुरु से मिलने के बाद क्या होता है स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब थी जिस समय मिले थे बहुत कुछ और गुरु जी का सबसे बड़ा जो सब लोग जिसको बार बार बोलते हैं उनका था अपने गुरु भाइयों के प्रति प्रेम उस प्रेम को कोई शब्दों में बताए कुछ भी कहे पर उनके जीवन चरित्र में सबको देखने को मिला कोई भी उनके पास था वो उनके प्रेम को ये नहीं कह सकता गुरुदेव मुझे प्रेम नहीं करते जो जो अनुभूति जिसके पास है और गुरु भाइयों के प्रति कितना प्रेम था साल पहले मैंने एक कथा सुनी थी बड़ी मेरे हृदय में है और हमेशा याद रहती है कि उन जो तीनों गुरु भाई थे आपस में बहुत ज्यादा प्रीत थी और कितनी प्रीति थी जब गुरुदेव प्रथम बार घर छोड़ के आए तो उनको स्टेशन पर लेने कौन आए श्री बामन गोस्वामी महाराज जब उनका नाम था सज्जन सेवक ब्रह्मचारी यानी भक्ति जगत में जब प्रवेश करने की तैयारी है तो कौन लेने आया स्टेशन पर श्री बामन गोस्वामी महाराज और अभी जा रहे हैं प्रेम की पराकाष्ठा है गुरु भाइयों में कितना प्रेम है कि भक्ति जगत में जब प्रवेश करने जा रहे हैं लेने कौन आ रहा है श्री बामन गोस्वामी महाराज और अब जब इस जगत को छोड़ करके उस जगत में जा रहे हैं तो किस तिथि को आश्रय करके जा रहे हैं श्री बामन गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि समझते हैं ना इस जगत में आना और गुरु जी क्या कर रहे हैं इस जगत से जा रहे हैं मतलब जब अपने धाम में भगवान के नित्य धाम में भी जा रहे हैं अपनी जो लीलाओं में जा रहे हैं तो वहां भी लेने के लिए कौन आ रहा है श्री बामन गोस्वामी महाराज तिथि और जाने की तिथि जिस किसी भी भक्त ने इस कथा को जोड़ा होगा सोचा होगा सोचो गुरुदेव की लीलाओं को वो व्यक्ति कितनी गंभीर कितनी नजदीकी से इन लीलाओं को वो दर्शन करता होगा वो गुरुजी के प्रति उसकी कितनी प्रीति होगी एक एक जीवन चरित्र को अच्छे से देखना समझना ये शायद हम सब उतनी गंभीरता से अभी नहीं कर रहे लेकिन जब गुरुदेव इस जगत से गए हैं और उनके जाने के बाद सब भक्तों की जितनी अनुभूतियां बढ़ी हैं शायद पहले उतनी नहीं हो रही थी क्योंकि कहते हैं ना जब कोई चले जाते हैं जगत से ना गुरुदेव या कोई भी वैष्णव तब उनकी महिमा हमको अच्छी तरह से समझ आती है क्यों क्योंकि जब और लोग वो महिमाओं को सुनाते तो हमको याद आता ये तो हमारे साथ भी हुआ था तो वो जो प्रीति है ना वो उस समय प्रगाढ़ होती चली जाती है क्योंकि मिलन से ज्यादा आनंद किसमें यही तो है भक्ति तो अभी तो गुरु जी हैं और हमारे रोहिणी प्रभु बैठे हैं हम लोग जब पालकी लेकर नवदीप में आते थे ना बड़े थके हुए टेढ़े मेढ़े होके चलते थे देखो मैं इस बार की अनुभूति सुना रहा हूँ ये अनुभूति ना बड़ी अलग होती है
और जब मैंने बाद में अनुभव की तो बड़ा एक अलग सी फीलिंग आई। क्या थी, लोग वो पालकी लेके वापस आते थे ना, बहुत थक जाते थे, किंतु जब गुरुदेव को मंच पे खड़ा हुआ देखते थे ना, वो हम लोग जो रोड पे नहीं नाचते थे ना, उससे चार गुना कितने गुना ज्यादा पता नहीं, वहां अंदर नाचते थे और गुरुदेव के दर्शन करते थे। इस बार सड़क कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई थी मैं हंसी की बात है, लेकिन बड़ी एक ऐसी घटना है जो शायद वो कभी कहते नहीं और शायद मैंने कभी उनसे सुनी भी नहीं, लेकिन उस समय जो शब्द, वो शब्द बाद में जब हृदय में आगा पता चले ना, तो पता चला उन्होंने क्या कहा, और वो शायद वो तो बोल नहीं रहे थे, क्योंकि जितनी तपिस मेरे को लग रही उतनी तो उनको भी लग रही है। तो जब मठ बिल्कुल सामने आ गया, मेरी परिस्थिति यह थी, मैंने कहा मैं पालकी को छोड़ रहा हूँ, लेने वाला हो या ना हो, तो उन्होंने मुझे एक शब्द कहा था कि इस जगत का ताप कम है क्या, अरे बोले थोड़ी हिम्मत जुटा, ले जाएगा वहां तक, कोई दूर नहीं, हम तो हर बार लेके जाते हैं। मैं फिर भी बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा देख गुरुदेव वहां पर इंतजार कर रहे हैं, उनको तो देख ले। बस उसके बाद वो मठ कब पहुंचे हमको नहीं पता, जबकि परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि चलने की भी हिम्मत नहीं थी इस बार तो। लेकिन वो शब्द जो है ना, वो मुझे पतिता नाम पार्वती, पहचान में नहीं आ रही, अब आ गए पहचान। सबसे पहले अपने गुरुवर्ग जिनकी स्थिति में हम यहाँ उपस्थित हुए तिथि पालन करने के लिए, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, और नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी। उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी अतुलनीय कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर, मुझ पर कृपा करें, जिस विषय वस्तु को देने आए थे हम कुछ उसमें अग्रसर हो पाए, उस चीज को प्राप्त कर पाए। तत्पश्चात मंजा सिंह कुछ बात भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मैंने अंत कुर्य दंडवत प्रणाम, उनसे उनकी अतुल कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों से उनके चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनसे उनकी अतुल कृपा की प्रार्थना करता हूँ। अभी दामोदर प्रभु जी हैं जैसे जो प्रसंग आया, वाकई में हम सब की कुछ ना कुछ अनुभूतियां हैं, अगर वो अनुभूति नहीं होती आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने की बात छोड़ो, शायद इस भक्ति पत्र पर हम थोड़ी देर के लिए भी खड़े नहीं हो पाते। जैसे इस जगत में भी हम देखते हैं भाई, किसी वस्तु से अगर लगाव है, प्रीति है, ऐसी किसी ने मेरे को बताया प्रभु जी देखो इस संसार की हालत क्या है, कि जब पहला मैकडॉनल्ड का रेस्टोरेंट खुला था ना रशिया में, एक रेस्टोरेंट खुला था, 30,000 आए थे और कम से कम 2.5-3 घंटे लाइन में लगे थे। तो इस जगत की छोटी सी तुच्छ सी चीज उसके लिए, क्योंकि उसकी थोड़ी सी अटैचमेंट है। तो अगर इस जगत में ये जो पथ में आ रहे हैं, अगर हल्की सी भी अनुभूति नहीं होगी ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग पीछे पीछे उधर जाओ, उधर रास्ता एक नहीं जगह पीछे, आज जगह है पीछे, आज ये हमारा पीछे बैठने का जगह है, पीछे है ना माता जी, अब पीछे जाओ, पीछे जाओ उस तरफ। तुम लोग क्यों खड़े खड़े भी हो गए, उधर जाओ उस तरफ बैठो। आज जो ये दिन है, जो ये तिथि उपस्थित हुई, जिसका पालन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बड़े ठस ठस के बैठे हुए हैं, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण तिथि है। और ये तिथि आई कैसे, क्या ये अपने आप आ गई, नहीं, ये हमारे गुरुवर्ग हमारे लिए ये तिथि छोड़ के गए हैं।
ये हमारे लिए छोड़ के गए हैं कि ये बद्ध जीव भजन साधन इनसे हो नहीं रहा है, ये कैसे सुकृतियां इकट्ठी करेंगे, कैसे आगे, इसलिए वो ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट तिथि देके गए हैं। सुनने में लग रहा है एक गुरु वर्ग का आज आविर्भाव हुआ, एक गुरु वर्ग आज तिरोभाव हुआ, एक आए एक गए, जो हमारा पैम्पलेट भी है उसमें लिखा हुआ है क्या, मिलन एवं विरह समारोह। तो देखना इन दोनों गुरु भाइयों ने मिलकर क्या लीला करी है, मिलन और विरह इकट्ठा कर दिया। क्या कर रहे हैं, वही जो राधा रानी का मादनाख्य महाभाव है, मैं विरह और विरह में मिलन, उस ऊंचे भाव को वो यही दिखा रहे, अरे यही वस्तु तो देने तुम्हें, तुम जीवों को हम आए हैं, हमें यही वस्तु तो देने के लिए भेजा गया है। अभी पूर्व कुछ दिन पूर्व श्रील प्रभुपाद की तिथि मनाई, उस समय भी जो एक विचार आया था क्या, कि श्रील प्रभुपाद किसके लिए आए हैं, मेरे लिए। ऐसे ही ये जो गुरु वर्ग हैं, ये महापुरुष हैं, ये किसके लिए आए, जगत उद्धार के लिए। मुझे समझ में नहीं आता जगत का, जब ये भाव आएगा कि ये मेरे लिए ही आए हैं, तो पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी का एक वचन जो उन्होंने बोला वो बड़ा ही हृदय को छूता है। क्या बोला उन्होंने, कि ये शास्त्र और शास्त्र की सारी शिक्षाएं किसके लिए है, ये मेरे लिए है, अपने लिए कह रहे हैं कि ये किसके लिए है, ये मेरे लिए है। किसी पर जबरदस्ती थोप नहीं रहे हैं वो, पर साथ ही साथ बड़े प्रेम से क्या बोला है, कि अगर तुम मेरे हो तो ये तुम्हारे लिए भी। तो यही बात क्या, कि गुरुदेव मेरे हैं, मेरे लिए ही आए हैं, उनका पूरा जो जीवन काल रहा, जैसा उनका आचरण, उनका भजन साधन आदि जैसा रहा, उन्होंने इतना कठोर साधन करके दिखाया, सब किसके लिए करके दिखाया, मेरे लिए। उनकी जितनी शिक्षाएं हैं वो किसके लिए हैं, मेरे लिए। ये महापुरुष है कौन, भगवान से अभिन्न, भगवान को कहा गया गुणानव, और ये भी गुणानव। आज इस तिथि पे ये जो तिथि उपस्थित हुई है, या तिथि उन्होंने हमें जो दी है, ये तिथि किस लिए दी है, कि इसलिए नहीं आज आए और केवल हम एक दो घंटा बैठ के इसको पालन कर जाए, ये इसलिए है, वो समझाना चाह रहे हैं कि साधक हो 365 दिन और जब तक तुम्हारी श्वास चलेगी ना, इस तिथि का पालन करते रहना, इस तिथि का पालन करते रहना, ये वो बताना चाह रहे हैं। एक चीज और समझना, उसे समझा वो क्या कह रहे थे हमें, और जो मैं अपनी मोटी बुद्धि से समझ पाया हूं, इस जगत में देख लो, हम चाहे कोई सी भी कक्षा में पढ़े, कॉलेज में भी जाएं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग डॉक्टरी की आदि डिग्री भी लें, एग्जाम आता है नहीं आता है, आता है ना, आता है नहीं आता एग्जाम। तो ऐसे ही गुरु वर्गों ने हमें साल तिथियां दी, और देखो ये तिथि अगले साल फिर आएगी, कुछ महीने के बाद गुरुदेव की आविर्भाव तिथि भी आएगी, तो वो यही, ये एग्जामिनेशन डेट है मेरे लिए, मुझ पर कृपा करो कि इन गुणों को मैं धारण कर पाऊं। और कैसे होगा वो, उसके लिए गुरुदेव पूरी व्यवस्था करके गए हैं। क्या हम, क्या गुरुदेव अप्रकट हुए, देखो कहने में तो बड़ा अजीब सा लगता है अप्रकट हो गए, पर इसको गुरुवर्गों ने समझाया, सूर्य प्रकट होता है क्या, इस समय सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सूर्य चला गया क्या, सूर्यदेव नहीं है क्या अभी है, पर वो उस देश में दिख रहे हैं जहां वो प्रकट हुए हैं। ऐसे ही गुरुदेव है, नित्य तत्व है ये, वो नित्य, तो वो गुरुदेव क्या करके गए हैं, गुरुदेव ने बोला खुद, किसी ने आके बोला कि गुरुदेव हमने उस संस्था में सुना कि ये तो नारायण महाराज चले जाएंगे, फिर क्या होगा इस संस्था का, तो गुरुदेव ने तब बोला एक नारायण महाराज जाएगा ना, छे खड़ा करके जाऊंगा, तो उन्होंने ऐसा बोला। और हम देख रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि गुरुदेव की उस फुलवारी में सुंदर सुंदर पुष्प है, जो आज भी वही गुरु वर्गो की सुगंध आज दे रहे हैं। श्रीला महाराज जी हमारे साथ हैं, और भी इतने वैष्णवगण हमारे साथ हैं, हमें क्या करना चाहिए, अरे भूल जाओ क्या है क्या नहीं है, मेरी आंखें तो जड़ चीजें ही देखेंगे, मेरे कानों को जड़ रस ही लगता है, इसलिए जड़ बातों में ही फंस जाती हैं।
चीज की अकड़ है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किस चीज का घमंड है मुझे। देखो प्रभुपाद जी की एक बात याद आ गई, प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या कर रहे थे, पर कथा शुरू करते ही सबसे पहले उन्होंने सभी श्रोताओं को प्रणाम किया कि आज आप उपस्थित हुए हो, इस वजह से क्या होगा, आज मैं कुछ हरि गुण हरि कथा बोल पाऊंगा और मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं अपने आप को ही सुनाऊंगा। तो एक तरीके से आपके माध्यम से आज मैं फिर अपने आप को ये बातें सुना रहा हूं, क्या कि उन गुण की अगर उन गुणों के पीछे मुझे जाना है। अब आप बोलोगे ये गुण 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 बोले जा रहे हैं, पर ऐसा तो कोई गुण बोल नहीं रहे हैं, गुणार्णव है। अगर उनमें से एक बात देखो, मैं दिमाग में जो रख के, आज दोपहर को दिल्ली मठ में भी प्रोग्राम हुआ, वहां हमने इन चर्चाओं को किया, तो उसमें से एक चीज बताता हूँ। श्रील बड़े गुरुदेव हमारे पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी एक सूत्र बोल रहे हैं, देखो इन्होंने क्या किया, ये क्या है, इस एग्जाम्पल को बुरा मत समझना। जैसे इस जगत में देखते हैं, ये हमने पहले भी सुना है यहाँ पे, कि अगर शहद चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा आपको, क्या चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, पात्र, पैसे के बिना मिल जाएगा। या मेरे पास वो चूसने वाली, मेरे को भगवान ने एक सुई दे रखी है कि मैं फूलों में से निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है क्या हूं, पूरी तरह से हूं मैं, इस फूल में से रस नहीं निकाल सकता, फूल में से शहद नहीं निकाल सकता। यही अयोग्यता जब मैं अपनी समझ जाऊंगा कि मैं इन शास्त्रों को नहीं समझ सकता, इन शास्त्रों के इन सारों को मैं नहीं समझ सकता, तो क्या है ये जो भगवान की, ये जो गुरुदेव की जो सुंदर सुंदर मधुमक्खी शहद हमारे पे टपका रहे हैं, क्या मैं इनको लेने के लिए उपस्थित नहीं हो सकता। उस समय भी क्या, शहद अभी खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना, तो ऐसे ही अभी भी पैसा चाहिए भाई। ये नहीं कि मैं यहाँ पब्लिकली बोल रहा हूँ कि लाओ पैसे दो और हम की बातें, नहीं, असली पैसा क्या, असली धन क्या है मेरा, बताओ क्या है, श्रद्धा। ये श्रद्धा दो, गुरुदेव कहते थे ये तुम अपना मन मुझे दे दो, इस कुमन को करके सुमन बनाकर ठाकुर जी के चरणों में लगा दूंगा। तो बड़े गुरुदेव कहते थे देखी बे सुनी बे बोली बे ना, क्या बोला, देखी बे सुनी बे बोली बे ना, ये हिंदी में बोल रहे हैं, देख खो सुन लो पर बोलना मत। ये एक सूत्र बोला बड़े गुरुदेव ने, और साथ ही गुरुदेव एक सूत्र बोल के गए, निंदनीय की भी निंदा मत करना, क्या बोला, निंदनीय की भी निंदा मत करना, मतलब जो निंदनीय वस्तु है जिसकी निंदा करनी भी, उसकी भी भूल से निंदा मत करना। दोनों सूत्र एक ही तरफ लेके जाएंगे, इन सूत्रों में अगर हम घुसेंगे ना तो समुद्र है, जितना डूबेंगे उतना ही और मिलेगा। तो परम बड़े गुरुदेव देखो क्या बता रहे हैं, जो समझा अपनी मोटी बुद्धि से समझाने की चेष्टा करूंगा, जो गुरुवर समझा है वो कह रहे हैं, अपनी हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां, उसमें से क्या ये चक्षु देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, अभी आप ऐसे हो कि मेरी तरफ देख तो रहे हो पर मेरा गमछा और माला ना देख पाओ, बताओ, हाँ ना? ना। अब दूसरी बात आता हूं, कर्म ये कर्ण इंद्रियों पे आता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसमें से मैं शब्द मत सुनना, बाकी सब कुछ सुनाई दे, कर सकते हो, ऐसा फिल्टर है, पर मैं ये बोलूंगी भाई कथा के बीच में बोलना मत, ये कर सकते हो, हाँ बोलो बोलो, हाँ समझ। बड़े गुरुदेव इतनी गूढ़ बात इतनी सरलता से एक सूत्र के रूप में दे गए कि भाई इस जड़ जगत में हर ये जो जड़, ये जो हम बद्ध जीव बैठे हैं, मैं बद्ध जीव बैठा हूं यहाँ पे, कमियां भी पड़ी हैं, देखे तुम आंख बंद भी कर लोगे तब भी दिखेंगी, क्योंकि वो दिखेंगी है। और साथ ही साथ कई और महान, अब हमें कुछ कभी कभी तो कर लेते कि चलो नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे है, पर फिर भी नहीं देखेंगे, पर उसमें से कई महान ऐसे हैं हमारे शुभचिंतक जो आ जाते हैं, ओए कहां आंख खोल मैं तेरे कान में बता रहा हूं, आके कान में चुगली कर आएंगे उसकी 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 उसकी, हम सुन पाएंगे रोक पाएंगे नहीं, तब भी कान में कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। तो इसलिए बड़े गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम कम से कम वहीं चुप हो जाओ, अपने इस वाचो वेग को वहीं पे ब्रेक लगा दो, निंदा चुगली में मत फंसो, वो कर रहा है वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसका ये हो गया, प्रभु जी उसकी बात मैं बताऊं, आप उसको क्या समझते हो, अरे वो दीदी ये प्रभु जी, इन सब चीजों में मत लगो। और गुरुदेव इसी को समझा रहे हैं, निंदनी की निंदना मत करो, होगा क्या, गुरुदेव एक चीज बताते हैं कि जैसे ही हम निंदा में लगते हैं किसी की, देखो भाई जिब्बा दी है वाच, मतलब हमारा ये जो वाक है ये दो काम कर सकता है, बोलना तो है ही है, या तो अच्छा बोल सकता है या बुरा बोल सकता है,
तो इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब भी ये जिह्वा का उपयोग करो तो किस लिए करो, हरि चर्चा, हरि गुण कीर्तन, हरि कीर्तन के लिए ही करो। मैं हरि कीर्तन भी कर सकता हूँ। कर रहे हैं हम ये जो तिथि, इसलिए तो कह रहे हैं ना, बड़ी कृपा करके ये तिथि दी गई ताकि हम बोलें। तो क्या बोलेंगे आज, क्या बोलेंगे? केवल बोलेंगे तो कीर्तन करेंगे, इनके गुणों का कीर्तन करते रहेंगे। पर अगर इस चीज को मैंने निंदा में लगा दिया, किसी में लगा, क्या गुरुदेव कहते हैं कि उस व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ना, उसके हृदय से आपके हृदय में एक ब्रिज बन जाता है, और जिन चीजों की चर्चा कर रहे होते हो ना, वो ट्रांसफर होने लग जाती है। बताओ, अगर मैं किसी की निंदा कर रहा हूं तो उसमें किसका फायदा हुआ? उसका फायदा हुआ, उसका तो सारी अनलोडिंग हो गई और डाउनलोड मेरे अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए? जब ठीक है, हम मानते हैं वो राधा दास्यम देने आए, बड़ी ऊपर की चीज है, वो मेरा टारगेट है, वो मेरा सुप्रीम गोल है, पर वहां पहुंचूंगा कैसे भाई? अब जिसका घर थर्ड फ्लोर पे होगा, फिफ्थ फ्लोर पे होगा, उनको पता होगा, वो ऐसा नहीं कभी सोच सकता भाई 50 लगती है मुझे, मैं तो सीधा 50वीं चढ़ूंगी, ये 49 जाती हूँ। कर सकते हो? शुरू कहां से? पहली सीढ़ी से। तो ये पहली सीढ़ी ही पहले इन विभिन्न विभिन्न चीजों को, और गुरुदेव ने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए हैं। कौन कौन ऐसा है जो रोज चाहे नियम से 2 लाइन भी पढ़ता हो, 3 लाइन भी पढ़ता हो ग्रंथ की? कौन कौन है ऐसा? क्या हुआ? अच्छा, ठंड इतनी लग रही है कि हाथ भी नहीं निकल रहे, समझो। ये को जो पढ़ रहे हैं उन्हें वो दो दो एक एक लाइन में भी या एक एक पैराग्राफ में भी क्या क्या हमें मिल रहा है। अरे कुछ नहीं, YouTube भरा से 5 मिनट लगा के इन चीजों में समझना। गुरुदेव हमें इसीलिए आए थे कि कैसे इस जीव को, जो दामोदर प्रभु जी से वो बात हुई थी ना, मुझे वो आज भी याद है। इतनी बुरी हालत हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि डोला फेंक दें और साइड में हो जाए। महाप्रभु कहाँ है हमें नहीं पता, पैर इतने जल रहे हैं। पर उस टाइम पे ये चीज वाकई में समझ में आई, अरे ये जगत के ताप कम है क्या? ताप कम है क्या? घर पहुंचोगे पहले पुरुष सोच लेता सर पे हाथ। हमारे गुरुदेव ये महापुरुष वहां राधा रानी की जो दासियां हैं वहां उनकी नित्य सेवा कर रही हैं। इतना सुंदर वो स्थान है, उसको छोड़कर संसार दावानल में आ रही है। किसके लिए आई है? पड़ोसी के लिए नहीं, मेरे लिए आई है। क्या देने के लिए? लास्ट में बता रहे हैं विष्णु चक्रवर्ती, क्या क्या बता रहे हैं? क्या आखिरी लाइन क्या है? मुझे नहीं याद आ रही, बोलो जल्दी क्या है? सबसे लाखरी लाइन क्या है बताओ प्रभु जी? श्रीमद गुरु अष्टके, मेरे को याद नहीं आ रहा सच्ची में, इसलिए बोल रहा हूं। क्या है कि वो क्या है? उस युगल सेवा को जनुषो अंतेव, इस जन्म के में ही राधा कृष्ण सेवा में मुझे नियुक्त कर देंगे वो गुरुदेव। ये उस पूरे गुरु अष्ट समय की मर्यादा को देखते हुए यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। पर साथ ही साथ उस गुरु अष्टकम को हम रोज पढ़ते हैं, कम से कम उसमें डूबने की कोशिश करो। एक एक अक्षर में नहीं समझ में आता है तो जितने भी यहाँ पे हमारे सीनियर वैष्णव हैं उनके पीछे पड़ जाओ कि मुझे ये गुरु अष्टकम जानना है, क्योंकि विष्णु कृपा जी ने वो पूरा खान दे रखा है। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सर्वेक्षा प्रपूर्णनाथं सर्वशोकादि वर्जितं भजद्मोचनं वन्दे श्रीराधाकृष्णं सदेवं परब्रह्मावतारं या भुवने नरवेशितं सर्वविभूतं वन्दे श्रीचैतन्ये महाप्रभुं स्वान्ताय सुखाय संसारे सर्वफलप्रदायकं वन्देऽहं श्रीनारायणं विश्वगुरुकं शरणं प्रपन्ने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं औदार्यमाधुर्यगुणैश्चयुक्तं वरं परिज्ञं श्री कृष्ण स्वामी
श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण हुए उनकी शुभ प्रभात तिथि को प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात श्रील नित्य लीला विष्णु भक्ति विधान के पावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण प्रणाम करते हुए उनकी शुभ आशीर्वाद तिथि को प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृमंडली कथा पिता सुश्रोत्र मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम है और आप सबसे भी मैं अपने लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हरे कृष्ण। हम सब लोग आज बहुत ही विशेष तिथि पे श्री महाराज जी के मुखारविंद से सुनने के लिए अन्य अन्य वैष्णवों से सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या सुनने के लिए? महापुरुषों के जीवन चरित्र को कौन सुना पाएगा जो उन्हीं के जैसा होगा। मैं तो घर से यही सोच के आया आज इतना सर्दी का 20 किलोमीटर चल के कृष्ण महाराज जी से सुनना है क्योंकि जिनके विषय में बात होगी जिनके विषय में जिनके जीवन में सुना जाएगा वो इस जगत के तो है ही नहीं तो सुनाएगा इस जगत का व्यक्ति सुना पाएगा उनके विषय में। हम जैसे मूढ़मति लोग सुना पाएंगे उनके विषय में संभव ही नहीं है। श्री महाराज जी के अनुगत्य में महाराज जी से ही सुनने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लेकिन ये गुरुदेव की कृपा है ये गुरुवर्ग की वाणी का वैभव है श्री महाराज जी का ये स्नेह है प्रेम है कि हमारे जैसे लोगों को भी उत्साह देते हैं कि तुमको कुछ बोलना चाहिए गुरु जी के विषय में कृपा जी के विषय में गुरुवर्ग के विषय में और इनके उत्साह से ही हम लोगों के ऊपर एक इन्हीं की कृपा का संचार होता है जिस कारण से हम कुछ बोल लेते हैं। मेरे को एक छोटी सी बात याद आ रही है नित्य लीला पृष्ठभूमि भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी का एक कोटेशन है एक उपदेश है उनका। वो कह रहे हैं कि अच्छे को अच्छा करना बड़ा काम नहीं है अच्छे को अच्छा बनाना बड़ा काम नहीं है बुरे को अच्छा बनाना बड़ा काम है। भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने ये कहीं लिखा है कहीं बोला है एक उनका उपदेश कोटेशन मेरे को याद है कि महाप्रभु कौन और महावदन नाये लेकिन महाप्रभु के विषय में तो सुना ही है या जैसे अल्पमति बुद्धि जीव है थोड़ा बहुत शास्त्रों में पढ़ लिया है कि ये महावदन्नाय है श्रीमन चैतन्य देव है महावदन्नाय कैसे कि उन्होंने अपने जीवन में भी करके दिखाया क्या दिखाया जगाई मधाई का उद्धार जगाई मधाई लीला में जगाई मधाई का उद्धार करके दिखाया। लेकिन गुरुदेव के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं यद्यपि हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो अप्रकृत है और हम जड़ हैं इन जड़ नेत्रों से हम उस चिन्ह वस्तु नहीं कर पाएंगे और यहाँ खड़े होकर उनके विषय में बोलना कैसे है जैसे गंगा जी की पूजा के लिए गंगा जल ही लेके उनको समर्पित कर दिया बिल्कुल ठीक वैसे हैं। तो गुरुदेव एक गंगा के समान पवित्र हैं और उनकी वाणी से जो सुना है वही उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो महाप्रभु महावदन्नाय है जगाए बधाई लीला में हम ये देख रहे हैं लेकिन श्री गुरुदेव के जीवन चरित्र में आप देखिए इस कलयुग में हर घर में जगाई मधाई पूरे विश्व पृथ्वी पर और पूरे विश्व पृथ्वी के लोगों का ही हमने दर्शन कराए जो बदल गए। आप कभी गौरमंडल परिक्रमा चल के देखिए या जो लोग जा चुके हैं वो और नए लोगों को ले जाके देखिए वहां आपको गुरुदेव की उस भव्यता का दर्शन होगा कि किस प्रकार से महाप्रभु के जीवन लीला में महाप्रभु ने जो करके दिखाया के बुरे को अच्छा बनाने का जो कार्य है वो कार्य बड़ा है। तो जितने भी संसार में आप देख लो पतित लोग हैं हमारे जैसे विशेष रूप से मेरे जैसे उनको कुछ अच्छा बनाने का उन्होंने प्रयास किया और हम अच्छे तो नहीं हुए ये हम जानते हैं अपने विषय में तो मैं जानता हूं कि हम अच्छे तो नहीं हुए लेकिन ये महाराज जी की कृपा है कि हमको यहाँ गुरुदेव के श्री चरणों में कुछ बोलने के लिए पुष्पांजलि देने के लिए माइक दे देते हैं और ये इन्हीं की कृपा का एक संचार भी है। और जैसे ना मैं अभी कथा कल सुन रहा था कल रात YouTube पे श्रीपाद संजय प्रभु मठ में कहीं बोल रहे थे शायद फरीदाबाद मठ की ही कथा है कह रहे
परम गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिशन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोले कि जब ये अपने गुरुदेव का दर्शन करने जाते थे ना, प्रभुपाद जी का दर्शन करने, तो बोले कि प्रा नहीं बोल पाते, प्रभुपाद पूरा नहीं बोल पाते थे, प्रा करके ही रोने लगते थे। कितने हृदय में ऐसा विरह होना चाहिए गुरुदेव के लिए, ऐसा हृदय में विरह कब आएगा, कब आएगा ऐसा विरह? मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन में या मेरे हृदय में तो नहीं आ पाएगा। उसका एक कारण भी देता हूँ जो मेरी जड़ बुद्धि समझ पा रही है। जैसे रोहिणी प्रभु ने बोला कि गुरुदेव को ये बोला कि श्री नारायण महाराज जी के जाने के बाद इस संस्था का क्या होगा, तो श्री गुरुदेव उत्तर में देते कि एक नारायण महाराज जाएंगे, छह छह नारायण महाराज छोड़ के जाएंगे। तो उन्हीं छह में से मुझे लगता है कि एक हमारे बीच में उपस्थित है, मैं तो इन्हीं का दर्शन कर लेता हूँ तो मुझे मेरे गुरुदेव की स्मृति विफल हो जाती है, मुझे विरह होता ही नहीं। कैसे करूं विरह, मैं अपने गुरुदेव का विरह कैसे करूं? मैं तो महाराज जी के चरणों में ये एक प्रश्न भी दे रहा हूं महाराज जी कि मैं गुरुदेव का विरह कैसे करूं? मैं आपको देखता हूं तो मुझे तो लगता है कि श्री नारायण महाराज जी मेरे समक्ष और कृपा करने के लिए मेरे पास आ गए हैं। और मैंने अनुभव भी किया है, अनुभूतियां मेरे जीवन में छोटी छोटी बहुत हुई। मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी श्रीमद् भागवत जी को लेके चला अपने हृदय में और महाराज जी के चरणों में निवेदन कर दिया। सन 2015 दिसंबर में रामनगर में हम महाराज जी की सेवा में थे कथा में, और मेरे जैसे व्यक्ति के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथाएं हुई। तो मैं तो गुरुदेव की कृपा मानता हूं कि जब मैं उन कथाओं को करने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके सुबह निकलता था, शाम को जब आता था 100-150 किलोमीटर बाइक चला के, क्योंकि पहली भागवत की ये मैं आपको एक वास्तविक घटना बता रहा हूं, क्योंकि महाराज जी ने आशीर्वाद कर दिया था कि ठीक है तुम तैयारी करो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। और पहली कथा के लिए मैं बहुत लोगों के पास गया, बहुत लोगों से मैंने प्रार्थनाएं करी, बहुत लोगों को मैंने अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करा, लेकिन जब मैं उन लोगों के पास जाता था तो सबसे पहले सुबह गुरुदेव को प्रणाम कर लेता था, गुरुदेव ये कार्य आप ही की कृपा से होगा, नहीं तो मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे जीवन में अनुभूतियां छोटी मोटी गुरुदेव ने कराई है, लेकिन ये बात तो सत्य है अनुभव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए साक्षात गुरुदेव के रूप में महाराज जी विराजमान हैं और महाराज जी के इस संग में मैं अपने जीवन को बिताना चाहता हूं। यद्यपि मैं गृहस्थी हूं फिर भी महाराज जी मेरे ऊपर कृपा करें, गुरुवर्ग मेरे ऊपर कृपा करें कि कैसा भी हूं आपकी सेवा में मैं बना रहूं। और इन्हीं शब्दों के साथ में समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं भी बोलूंगा, इन मित्रों के साथ गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। और हमारे बीच में एक विशाखा दीदी है, वो ग्रेटर नोएडा में ये गुरुजी की शिष्या है, ये ग्रेटर नोएडा में ये प्रचार करती है। ये पहले रहती थी मोरी गेट में रहते समय वहाँ पर भी उसने बहुत भक्तों, लेकिन वहाँ से जब फिर ग्रेटर नोएडा पर चली गई वहाँ पर भी उसने भक्तों को जोड़ना शुरू किया। हाँ, भक्तों को जोड़ना शुरू किया। जानते हो आज हम वहीं पर वहीं से आ रहे हैं, भागवत कथा वहीं हो रही है। हम सोच नहीं सकते इतने लोगों भक्ति में जोड़ी है। आज मैं गया देखो, और उसने एक रजिस्टर मेरे को दिखाया, बोले महाराज जी मैंने ये रजिस्टर इतना रोज इतने माला जप कर रहे हैं, एक एक भक्त उसमें देखा 80-80 माला कर रहे हैं, 1,00,000 से ज्यादा माला कर रहे हैं। इनके अनुगत्य में वहां पर कुछ माता है जो 1,80,000 माला, कोई 20 माला, कोई 15 माला। और एक चीज दिखाए, आज रजिस्टर सबका रोज वो ये कहते रजिस्टर में अटेंडेंस लेती है, आज किसने भगवान की कथा छोड़कर दूसरे का चुगल किसने कितना किया वो उसमें उस रजिस्टर में लिखी, उसमें उसमें लिखा है। और आज कितने हमने भगवान की बगैर भक्ति के बगैर कितना समय हम बर्बाद किया, इतने सुंदर रूप में ना कहते इतने सुंदर रूप में उन्होंने वहां पर व्यवस्था की, आज उसकी कृपा से ही आज एक भक्त यहां पर आए हैं, इसलिए उन्होंने भागवत कथा हो रही है वहां पर, बहुत भक्तों को उसने एकत्रित किया है। देखो इनके पति भी है, इनकी दो बेटे, मैं और दूसरे जो हमारे गुरु भाई गुरु बहनी है ना, आपको अंदर में भी उत्साह है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसने दो बच्चे है, पति है, ससुर है, सास है, लेकिन सबका सेवा करते, ऐसे नहीं किसकी सेवा नहीं करती,
सब मैंने देखा सब इनको बड़े प्रसन्न है, पति प्रसन्न है, सास ससुर प्रसन्न है, बच्चे को उन्होंने क्या बनाया, बड़ा बेटा क्या आर्किटेक्ट उसको बड़ा बच्चे को बनाया, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, उसका घर सब प्रसन्न है, सबको प्रसन्न करते हुए भी ये ऐसे हरिनाम करती है, स्वयं भजन करती है, भक्ति करती है, और केवल इतना नहीं दूसरों को भी भजन में लगाए। इसलिए हम चाहता हूँ आप लोग अगर एक एक संसद सुन से ये विशाखा दीदी एक एक आप लोग बन जाओगे ना, महाप्रभु कहते हैं ना पृथ्वी से आचे जत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार है वरना, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण विश्व में गली गलियों में शहर शहर में भगवान के नाम गुंज उठेगा। अब सबके सब बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सबके सब प्रसन्न होकर के भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। अगर आप लोग ऐसे है कि विशाखा हो जाओगे ना, देखो ना पूरा दुनिया सचमुच से कृष्ण भक्ति की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए आप लोग कोशिश करना स्वयं भक्ति करो और कोशिश करो दूसरों को भी भगवान के भजन में लगाने के लिए। अभी ये थोड़ी सी भी गुरु जी के चरण में हम तो बोल रहे थे बोलो, वो मना कर रहे थे, हम इसको जोर जबरदस्त उठा दिया। तत्पश्चात स्वामी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु महाराज पूज्य पाशी धर्म महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। जितना महाराज जी ने बताया वो सब बिना गुरु जी के कृपा के कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी अनुभूति बताती हूँ कि मैं सबसे पहले जब गुरु जी से मिलने गई बड़ी उत्साहित उस समय थी कि प्रचार करना बहुत अच्छा कार्य होता है। मैं देखती थी इस कौन में कि सब लोग प्रचारक बन जाते हैं, सब कथा करते हैं, तो सिर्फ प्रचारकों को देख के मेरे अंदर उत्साह था मैं भी प्रचारक बनूंगी। मैंने गुरुजी को पहली बार जब बस मुझे पता था कि गुरुजी अगर कह दे तू प्रचार कर तो प्रचार करना शुरू हो जाते, कोई बात ही नहीं। और मैं गुरुजी के पास जाती बोली महाराज जी मेरे कृपा करना मैं भी प्रचार करना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, बेटी जैसे टीचर बनने से पहले पढ़ना पड़ता है ना, तो ऐसे ही नहीं प्रचारक बन जाते, पहले कुछ ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, उसके बाद प्रचारक बनते हैं। फिर मैंने इसे ही पूछा गुरुजी फिर क्या पढ़ूं सबसे पहले, गुरुजी ने जैव धर्म पढ़ लिया। सबसे पहला ग्रंथ ही मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ में जैव धर्म, जैव धर्म कुछ समझ नहीं आता पर गुरुजी ने बोला था जैव धर्म पढ़ ले प्रचारक बन जाएगी, इस भाव से जैव धर्म पढ़ने लगी। पढ़ते 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 फिर मेरे को गुरुजी मिले, मैं कहूंगे जिन्होंने इतना संग किया साक्षात संग किया। गुरु कुछ लोग यहाँ पे नए भी हैं जो गुरुजी के बारे में थोड़ा सा गुरुजी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरे गुरुजी तिवारीपुर में बक्सर जिले में हुआ और वो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके घर में रामचरितमानस का पाठ होता था, उनका नित्य नियम था वो रामचरितमानस पढ़ के ही स्कूल जाते थे, और उनके घर में और जो बच्चे उनके साथ जाते थे कुछ रास्ता था तो सब बचे पहले उनके घर में रामचरितमानस का पाठ करते थे, प्रसाद लेकर वहां पे बैठ गए, सारी रात सबने हरि नाम कीर्तन रामचरितमानस का पाठ किया, और देखते देखते जैसे ही सुबह हुई वो बच्चा ठीक हो गया, उसका सांप का जहर खत्म हो गया। हमारे गुरु जी का ऐसा दृढ़ विश्वास था। एक घटना, हमारे गुरु जी अपने ठाकुर जी की सेवा बहुत बहुत प्यार से किया करते थे, बहुत भाव से किया करते थे। एक दिन वो किसी तरह ठाकुर जी को कंबल उड़ाना भूल गए और वो सो गए घर में, पर उनको नींद नहीं आई और उनको शायद बुखार हो गया उस रात। और जैसे ही फिर उनको पता चला कि उनके जो है ठाकुर कंबल नहीं उठा पाए, इस वजह से वो भी मतलब उन्हें अनुभूति जो वैष्णव
प्रेम से भाव से सेवा करते हैं वो ठाकुर जी के साथ जुड़ जाते हैं। हमारी तो अभी सेवा ऐसी चल रही है मेरी तो कि हाँ एक काम है कि हाँ ठाकुर जी को सुलाना है उठाना है ये वाला नहीं, जो भाव से सेवा करते हैं वो वैष्णव गण ही हमें सिखाएंगे, किसी दिन कृपा होगी हम भी ऐसी सेवा कर पाएंगे। तो महाराज जी फिर गए ठाकुर मंदिर में, ड्यूटी लगा दी जाती है ना ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, तो वहाँ पे गुरु जी की ड्यूटी लगी थी। तो वहाँ पे हमारे परम गुरु जी के कुछ शिष्य हमारे गुरु जी के गुरु भाई वो लोग आए, उन्होंने जब हरी कथा करी तो हमारे गुरु जी ने उनसे हरी कथा सुनी और एक बार की कथा ने ही हमारे गुरु जी को हृदय में परिवर्तन ला दिया और वो जो है अपना घर छोड़कर परम गुरु जी के पास आ गए कुछ समय बाद। और परम गुरु जी के पास जब आए तो उन्होंने ना तो अपने घर में बताया था कि मैं जा रहा हूँ और ना ही अपने गुरु जी को बताया था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिर भी ये देखो शिष्य और गुरु का नित्य संबंध, इससे हमें समझ आना चाहिए कि हमारे परम गुरु जी ने उस दिन दोपहर में ही हमारे जो बड़े गुरु जी हैं जिनका आज आविर्भाव दिवस है वामन गोस्वामी महाराज जी पूज्यपाद, उनको बोला कि आज एक का प्रसाद ज्यादा बना लियो। तो बोले कोई आने वाला है? हाँ हाँ कोई आएगा तो बना लियो। तो उनकी ट्रेन दोपहर तक आनी थी वो नहीं आई तो दोपहर का प्रसाद पे तक नहीं पहुंचे। फिर शाम हो गई फिर बोले एक व्यक्ति का प्रसाद ज्यादा बना लेना। तो वामन गोस्वामी महाराज जी बोले कौन आने वाला है जो आप ऐसे प्रसाद की व्यवस्था करवाने के लिए बोल रहे हो? बोले आने वाला है कोई। और उनको उस समय जो है बहुत लाइट नहीं होती थी, स्टेशन से दूर बहुत मठ था और हमारे गुरु जी को मठ का नाम भी नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कोई गौड़िया मठ है। और जब वो वहां पे उतरे मायापुर स्टेशन पे तो उन्होंने पूछा मुझे गौड़िया मठ जाना है, तो वो जो स्टेशन मास्टर था उन्होंने बोला यहाँ तो कई सौ गौड़िया मठ है, आपको कौन से गौड़िया मठ जाना है? तो हमारे गुरु जी सोचने के ये तो पता ही नहीं कौन से गौड़िया मठ जाना है। उसी समय पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी लालटेन हाथ में लेके आए और बोले कोई तिवारी जी है तिवारी जी? तो हमारे गुरु जी बोले हाँ। हमारे गुरु जी को लेके और मठ गए। ये है गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु जी हमेशा हमारे साथ है, कभी मत सोचना गुरु जी चले गए। मेरे भाव से गुरु जी कहीं नहीं गए, जैसे एक मैया मुझे भी जैसे राजकुमार प्रभु ने कहा महाराज जी का विरह नहीं अनुभव होता, अभी हमें विरह नहीं समझ आ रहा। मेरे हिसाब से जैसे एक मैया अपने बच्चे के साथ खेलती है और खेलते खेलते छुप जाती है ना और देखती है कि बच्चा क्या कर रहा है, और मैया छुपी रहती है और देखती है बच्चा क्या कर रहा है, जब तक बच्चा खेल में लगा रहता है मैया अपने काम करती रहती है छुप के इधर को, और जब बच्चा रोने लगता है और असली में रोता है तब मैया आके उसे उठा लेती है गोदी। बोली मैया तो यही तो थी। इसी तरह से हमारे गुरु जी अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए नहीं है, यही छुपे हुए हैं, बस हमें देख रहे हैं कि हम अपने खिलौनों से खेलने में कब खिलौनों को छोड़ेंगे और असली मैया के लिए जैसे बच्चा रोता है अपने गुरु जी के लिए। तो मैं महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें भी अपनी मैया के लिए रोना सिखा दें बस महाराज जी। वांछा करते हैं नवीन प्रभु है पीछे पीछे है नवीन प्रभु ना प्रभु कहाँ है पीछे है नवीन प्रभु देखो तो नवीन प्रभु जीत कहाँ है नवीन प्रभु जी है ना नवीन प्रभु है देखो तो महाराज यहाँ पे बहुत सारी जगह है, अगर सब लोग इधर हो जाए तो काफी जगह बन जाएगा। प्रभु जी आप और थोड़ा अच्छा Hare 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 Hare
आचार्य किसी जगत को छोड़ करके प्रभु लीला में उन्होंने प्रवेश किया है, इसलिए भक्ति जगत में मरना शब्द प्रयोग नहीं करते जगत में। प्रथम श्लोक में संतो गुरु जी का स्वरूप इस जगत में गुरु बोले संसार दावा नल लीन लोग उदाहरण दिया ये दावा नल है साधारण होता ना उसको फायर बंद कर सकते हो, लेकिन अगर वही जल में ही आग लग जाए, लेकिन जंगल में वो दावा नल को भी फायर, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया इस संसार क्या है दावा नल है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी है। श्रीधर गोस्वामी प्रभुपाद का जो लास्ट अष्टक क्या है में महाप्रभु ने सेवा की, कभी कभी जो मटर खिलाया करते प्रभुपाद की याद कर लेते 10-10 20 20